है धनतेरस, सीधे मैं आपको मार्केट में लेके जाती हूँ। मैं वहां पर आज बहुत कुछ खरीदने वाली हूँ, तो क्या खरीदूंगी ये तो मैं आपको आके बताऊंगी, लेकिन आप लोग वहां से क्या क्या चीज खरीद सकते हो इसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ मार्केट के अंदर, राजस्थान के मार्केट कैसी होती है और आप कहाँ कहाँ से राजपूती ड्रेस ले सकते हो, राजपूती चूड़ा ले सकते हो अगर आप आसपास की किसी जगह में रहते हो। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बंदेज वगैरह, मतलब सो मेनी थिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और फटाफट से चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग को आधा घंटा लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी दुकान पे। ये दुकान आपको गंगानगर के रेलवे स्टेशन के पास में जो गोल बाजार है वहां पर आपको आराम से मिल जाएगी। लगातार वहां पर चूड़ियों की दुकान है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी दुकान में जहां पर आपको इतनी सारी वैरायटी मिलेंगी कि आप जाके वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि मैं हर बार हो जाती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जितने भी आपको चूड़े दिखाई दे रहे हैं ये सब राजपूती चूड़े हैं। चाहे तो आप इनको सूट में कैरी कर सकते हो, बट ये बेसिकली अगर बेस के साथ में कैरी किए जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छी रेंज में है। 150, 200, 250 की रेंज में आपको आराम से मिल जाएंगे और हर तरीके का साइज है यहाँ पर, चाहे 2-6 हो, 2-4 हो, 2-8 हो, तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। मैं 2-6 लेती हूँ, तो 2-6 के हिसाब से मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है और आप यहाँ पर देख सकते हो आपको तो यहाँ से बहुत कुछ पसंद आने वाला है। और मुझे ज़रूर बताने कि आपको क्या लगता है कि मैंने कौन कौन से चूड़े लिए होंगे। ये जितने भी चूड़े आप देख रहे हो ये सब 250-300 के रेंज में है। ये जो चूड़ा है यहाँ पर ये 250 की रेंज में आप दिख रहा है, बाकी आप यहाँ पर पंजाबी चूड़े भी मिल जाएंगे जो कि आराम से 700-800 की रेंज में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चूड़ा दिखाने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली। तो ये आप देख सकते हो ये सीप का चूड़ा है और इसे बहुत ही लकी माना जाता है पहनना, इसको लोग व्रत वगैरह पहनना बहुत पसंद करते हैं। और ये भी आपको आराम से जो पूरा चूड़ा था वो 500 की रेंज में था, तो बहुत सुंदर लगेगा अगर आप इसमें मिस मैच करके पहनते हो तो आपको बहुत ही सुंदर मिलेगा। इसमें आपको कांच की चूड़े भी बहुत अच्छी मिल जाएंगी, ये आप देख सकते हो ये भी 300 की रेंज में है और बाकी वहाँ पर जाके थोड़ा कम ज़्यादा भी करवा सकते हो। हालांकि मैं बागनी में विश्वास करती हूँ, जी हाँ मैंने कम करवाया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चूड़े मिल जाएंगे अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर्स के। रेड तो बहुत नॉर्मल है, आप लोग रेड छोड़ के और भी बहुत सारे कलर्स यहाँ पर ले सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अगर आप इसके साथ में कलरफुल चूड़ियां मिक्स मैच करते हो तो बहुत सुंदर लगेगा, और अगर आप इसको वैसे ही पहनोगे तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है क्योंकि इसमें शाइनिंग बहुत ही, कलर बड़ा ही प्यारा था, मेहरून कलर का कलर था। तो यहाँ पर ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है, राजा रानी वाला जो सेट है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये भी कुछ 300-350 के रेंज में था। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये मुझे चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगी हैं, ये कुछ 600-650 की रेंज में आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको वैरायटी इतनी मिलेगी, यहाँ पर आपको कांच की वैरायटी मिल जाएगी, पंजाबी चूड़ा, राजपूती चूड़ा, या आप महंगे से महंगा सेट यहाँ पर आराम से बनवा सकते हो। 3,000, 4,000, 5,000 तक का सेट आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप पूरा देख सकते हो कि ये जो पूरी दुकान है सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों की है और यहाँ पर A to Z, चाहे कांच की हो, सीप की हो, प्लास्टिक की हो, या कोई भी लेटेस्ट डिजाइन इस दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसा कोई डिजाइन या ऐसा कोई फैशन नहीं है जो ये दुकान कभी भूलती है, इसलिए मैं जब भी आती हूँ यहाँ पर जरूर आके कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाती हूँ। ये जो सेट अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये था 700 रुपए का जो सेट था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसे आप अपनी बंगड़ियों के साथ मैच कर सकते हो, जो राजपूती चूड़ा होता है उनके साथ मैच कर सकते हो। तो ये सारी वैरायटी जो है सारा दिन खुली भी मिलती है, तो मैं वहाँ जाके बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मैं लेने कुछ और गई थी, मैं ले के पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूँ वहाँ से, जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये अब देखिए मुझे बहुत पसंद आया था, इसमें भी आप शायद अगर राजपूती चूड़े में अगर आप बंगड़ी ऐड कर लेते हो तो आपको बहुत सुंदर लुक मिलने वाला है। और ये है पंजाबी चूड़े, तो पंजाबी चूड़ा तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो बस एक लुक आपको दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बाकी एल्यूमिनियम के भी मिल जाएंगे और हर वैरायटी की आपको यहाँ पर सस्ते चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी आप बार्गेनिंग करके 100-200 रुपये कम करवा सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मल्टी कलर है, आप इसको हर कलर के सूट के साथ में पहन सकते हो, साड़ी के साथ पहन सकते हो, बेस के साथ डेफिनेटली पहन सकते हो। ये बंगड़ियां हैं जो इसके आप चारों तरफ आप देख रहे हो, ये जो पूरा सेट था ये मुझे कुछ 500-600 का उन्होंने मुझे बताया है।
और ये देखिए, ये है स्पेशल राजपूती बंगड़ियां, जो कि आप राजपूती चूड़े या फिर नॉर्मल चूड़ियों के सबसे लास्ट में लगाते हो, तो ये एक एक पीस जो है आपको 100 के आसपास मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी शाइन बहुत ही सुंदर थी, और इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने कुछ इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, और अब ये भी देख सकते हो, इनका जो लुक है वो बिल्कुल लास्ट में ही डालने से आता है, लास्ट और फर्स्ट में डालने से आता है, तो ये बहुत सुंदर लगती है। ये भी 100 पर पीस थी, तो आप बाकी इसमें भी कम ज़्यादा करवा सकते हो। तो अगर आपको, आपने देखा ही होगा कि जोधा अकबर हो गया या पद्मावती वाला जो लुक था, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो कि उन्होंने बंगड़ियाँ डाली हुई है। तो बंगड़ियाँ आपकी हर ड्रेस पे बहुत सुंदर लगने वाली है। तो गाइस, होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।